इस हफ्ते और इससे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मेरी कोई भी एक्सरसाइज नहीं लगी है, तो मैं आज बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट ये 3 एक्सरसाइज लगाऊंगा और देखूंगा भाई कितनी स्ट्रेंथ बची है बॉडी में। स्ट्रेंथ तो होगी भाई, हिम्मत वाले लोग कभी हार नहीं मानते, तो मुझे अपने आप पर यकीन है कि अच्छी एक्सरसाइज लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे बेंच प्रेस। जैसा कि आपको पता है कि भाई यार वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कंपलसरी, तो हम सबसे पहले खाली बारबल से वार्म अप करेंगे। तो भाई आज फिर से यार मैं हेडफोन्स भूल गया हूँ, लेकर तो आया था लेकिन पता नहीं कहाँ ही चले गए। तो ये शुरू करते हैं, हम ऑलरेडी डन है अपने वार्म अप से और खाली बारबल से पहला सेट लगाते हैं। और मेरी फिजिक भी देख सकते हैं भाई, जिम का यही बात है यार, फिजिक बड़ी जल्दी होती है। थोड़ी सी भारी लग रही है। तो काफी टाइम के बाद ये फीलिंग आ रही है। This is paradise. Yo. तो भाई 4 आलू के पराठे खाए थे, जिसकी वजह से अभी भी पेट है जो बड़ा टाइट है, क्योंकि बेसिकली मैं 2 ही खाता हूँ या फिर मैक्सिमम 3। तो आज आलू के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट थे, स्पाइसी थे, तो आलू के पराठे 4 खा लिए। तो एक्सरसाइज की बात करें तो भाई 60 किलो से मुझे पता है 60 किलो कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत गैप के बाद लगा रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो 60 किलो के हमारे लगे 8 रैप। अभी हमारा फाइनल सेट होगा 70 किलो का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मज़ा आया। तो आप जैसे देख ही सकते हैं भाई 70 किलो के हमारे 3 रैप लगे और बहुत ही अच्छी तरीके से लगे। ठीक है, मेरे पीछे कोई स्पॉटर नहीं है, वरना 75 किलो भी लगा लेता 1 रैप, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम करेंगे डेडलिफ्ट, उसके बाद हम करेंगे स्क्वाट्स। तो भाई हमारी जिम में बेंच प्रेस हम फर्स्ट फ्लोर पर लगाते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। कुछ एक्सरसाइजेज सबसे टॉप में रहनी चाहिए। और अभी हम जाएंगे बेसमेंट में और लगाएंगे हमारी डेडलिफ्ट। तो चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो भाई क्या आप वर्कआउट के बीच में खा सकते हैं? तो भाई थोड़ा सा खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, हल्की सी अमाउंट खा सकते हैं कार्ब्स की, जो आपको लॉन्ग वर्कआउट में एनर्जी आपकी बना कर रखती है। तो वर्कआउट के बीच में तो पता है, लेकिन वर्कआउट के बाद ये नहीं पता कि मैगी खा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए अभी डेडलिफ्ट लगाने चलते हैं और मिलते हैं नीचे। तो भाई मैं आपको वेट नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके वेट बताएंगे कितना है, ठीक है। और ये हमारा फाइनल सेट्स में से एक सेट होगा, जिसमें कि हम ये वेट लगाएंगे और बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज होती है डेडलिफ्ट। मतलब मेंटली आपको सारा कुछ छोड़कर सिर्फ एक्सरसाइज पे ही फोकस करना होता है, सारा गुस्सा इसी पे निकलता है। भाई ये डेडलिफ्ट लगी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से। 2 रैप ही सोच रहा था, 1 रैप आया और अच्छा आया। तो इसके बाद हम स्क्वाट्स करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। अभी टाइम भी बहुत ही कम बचा है, हार्डली 10 से 20 मिनट बचे होंगे, स्क्वाट्स ही लगेगी। तो चलिए तो भाई आ गए हम फिर से फर्स्ट फ्लोर पे, हमारे सबसे फेवरेट फ्लोर पे, जहाँ पे जाते सारी यार जिम लगाने का दिल कर जाता है बंदे का। यहाँ पे स्क्वायर ट्रैक पे रैंडमली 70 किलो कोई सेट करके गया हुआ है सुबह का, तो यही वेट हम लगाएंगे, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इसी वेट से हम हमारे जो है एवरेज रैप्स निकालेंगे 3 सेट के लिए। टाइम भी पूरा पूरा है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये कौन लगाता है यार, मैंने तो आज तक लगाया नहीं। तो भाई इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा वर्कआउट होता है ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एक्सरसाइज से कुछ सीखा होगा। और हमेशा काम करते रहना, कभी मत रुकना। ज़िंदगी में जो मर्जी हो, जैसे मर्जी इमोशन से आप लड़ रहे हों, उसकी इमोशंस को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इमोशंस की जो एनर्जी है उसको हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं और हमारे वर्कआउट में लगा सकते हैं। तो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आर्म रेसलिंग भी होगी, ब्लॉगिंग भी होगी और गेमिंग।